प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग राजस्थान में कार्मिक प्रशासन के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पूर्व हम लोगों ने राजस्थान में क्या है, लोक सेवाओं का वर्गीकरण, उसकी भूमिकाएं और भर्ती जो है उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा। आज हम राजस्थान के जो लोक सेवाओं में भर्ती की प्रक्रिया जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम जो RAS का एग्ज़ाम होता है, राजस्थान राज्य व संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा जिसको बोलते हैं, राजस्थान स्टेट एंड सबॉर्डिनेट सर्विस एग्ज़ाम, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है, RPSC जिसको हम कहते हैं, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके द्वारा क्या है 1962 से क्या है राजस्थान राज्य वह संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, राजस्थान स्टेट एंड सबॉर्डिनेट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ये क्या है 1962 से क्या RPSC के द्वारा लिया जा रहा है। यह परीक्षा जो होती है सीधी भर्ती नियम 1962 के अंतर्गत आयोजित हो रही है, जो राज्य सरकार के विभिन्न विभाग हैं, अलग अलग विभाग जो हैं उनके अंदर अलग अलग पदों की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए क्या है योग्य उम्मीदवारों का क्या है चयन करने, इसके माध्यम से वो उद्देश्य पूरा होता है। पदों की संख्या का जो निर्धारण है, कितनी पोस्ट आएगी, ये सब क्या है राज्य सरकार द्वारा तय किया जाता है। और जनरली क्या है राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के माध्यम से क्या है SDM लगते हैं, राजस्थान पुलिस सेवा के माध्यम से क्या है DYSP लगते हैं, पुलिस उप अधीक्षक, राजस्थान लेखा सेवा होती है, राजस्थान अकाउंट सर्विसेज को बोलते हैं, उसके माध्यम से कोषाधिकारी या लेखा अधिकारी लगते हैं। 2007 में एक नई सेवा भी बनी है जिसको बोलते हैं राजस्थान विकास सेवा, राजस्थान डेवलपमेंट सर्विस, इसके माध्यम से क्या है BDO बनते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। राजस्थान पर्यटन सेवा है, इसमें सहायक निदेशक लगाया जाता है। राजस्थान वाणिज्यिक सेवा है, उसमें क्या है सहायक वाणिज्यिक अधिकारी ACTO असिस्टेंट कमर्शियल टैक्स ऑफिसर लगाते हैं। सहकारी सेवा है राजस्थान की, उसमें सहायक पंजीयक लगाते हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार बोलते हैं इसको। जेल सेवा है, उसमें DSP लगाते हैं, उप अधीक्षक लगाते हैं। नियोजन कार्यालय की सेवा है राजस्थान की, उसमें जिला रोजगार अधिकारी लगाते हैं। राजस्थान परिवहन सेवा, उसमें जिला परिवहन अधिकारी लगाते हैं। राजस्थान राज्य बीमा सेवा है, उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर लगाते हैं। औद्योगिक सेवा में भी असिस्टेंट डायरेक्टर लगाते हैं। महिला बाल विकास सेवा है, उसमें CDPO लगाते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, इसी प्रकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सेवा भी है, उसमें DSO जिला रसद अधिकारी लगाते हैं। तो ये क्या है सेवाएं हैं। इसके अलावा एक राजस्थान तहसीलदार सेवा भी है, उसमें क्या है स्टार्टिंग में नायब तहसीलदार लगाते हैं, फिर प्रमोशन हो जाता है तहसीलदार में, फिर आगे SDM में भी प्रमोशन हो जाता है। तो ये क्या है कुछ स्टेट सर्विस हैं, कुछ सबॉर्डिनेट सर्विस है। सबॉर्डिनेट सर्विस में जैसे तहसीलदार सेवा होगी, देवस्थान अधीनस्थ सेवा होगी, आबकारी अधीनस्थ सेवा होगी, वाणिज्यकर अधीनस्थ सेवा होगी, सहकारी अधीनस्थ सेवा होगी। तो इसमें क्या ये इंस्पेक्टर ग्रेड की सेवाएं हैं कुछ, तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। तो अब ये सेवाएं हैं, और इसके बाद में हम देखते हैं कि परीक्षा जो होती है ये RAS की, जिसको आम भाषा में RAS की परीक्षा बोलते हैं सभी लोग, RAS की परीक्षा दे रहा हूँ, RAS की तैयारी कर रहा हूँ, तो उसकी कुछ क्या सामान्य शर्तें भी हैं। एक तो ये है कि कैंडिडेट जो है, प्रतियोगी जो है, प्रार्थी जो है, वो क्या है ग्रेजुएट होना चाहिए या उसके इक्वल डिग्री होनी चाहिए। दूसरा है संबंधित परीक्षा का वर्ष का जो प्रथम दिन है यानी 1 जनवरी जो है उसको क्या है आधार मानकर आयु की गणना की जाती है, और आयु क्या है 21 से 35 वर्ष के क्या है बीच होनी चाहिए। इसमें भी क्या है जो पहले से कर्मचारी हैं सरकार में लगे हुए हैं और वो अराजपत्रित है, जैसे सेकेंड ग्रेड टीचर है, LDC है, जो भी है गजटेड नहीं है वो, उसको क्या है 5 वर्ष का क्या है सेवा अनुभव अनिवार्य है, और उसको क्या है आयु जो है 25 से 45 वर्ष की क्या उसके बीच में, 10 वर्ष की क्या उसको छूट मिल जाती है, बशर्ते उसकी सेवा जो है 5 साल की हो गई हो।
और इसके लिए क्या कहते हैं, NGE कोटा कहते हैं, नॉन गजेटेड एम्प्लॉय कोटा है। पूर्व में सामान्य अभ्यर्थी को इस परीक्षा में क्या है, चार चांस मिलते थे, NG कोटे में तीन एक्स्ट्रा थे यानी सात चांस थे, और प्रारंभिक परीक्षा में उपस्थिति का एक अवसर गिना जाता था। फिर बाद में क्या हुआ, 99 में क्या किया, चांस लिमिट ख़त्म कर दी, और उसके साथ साथ क्या है, इंटरव्यू में भी क्या, पहले न्यूनतम मार्क्स निर्धारित थे, यानी 33% जो अंक लाएगा उसको ही फिर क्या आगे शामिल करेंगे, नहीं तो मेरिट में नहीं शामिल करते थे। तो 33% अंकों की शर्त भी समाप्त कर दी 99 में, और चांस लिमिट भी ख़त्म कर दी। तो ये क्या है, 99 में एक सुधार हुआ था, वो भी है, और नियमानुसार आरक्षण भी दे है इसमें, और परीक्षा शुल्क में क्या कुछ उम्मीदवारों के लिए क्या है, छूट भी है। तो ये इस प्रकार से क्या है, कुछ सामान्य शर्तें हैं। अब देखते हैं कि परीक्षा किस ढंग से करवाई जाती है, परीक्षा की योजना क्या है, एग्जामिनेशन स्कीम। ये जो एग्ज़ाम है ये भी क्या है, यूपीएससी का जो सिविल सेवा एग्ज़ाम होता है, जिसको सिविल सर्विस एग्ज़ाम CSE बोलते हैं, उसके पैटर्न पर ही लगभग आधारित है। और 1986-87 से क्या है, यह जो परीक्षा है वो दो चरणों में ली जाती है। एक तो होती है प्रारंभिक परीक्षा और दूसरी है मुख्य परीक्षा प्लस इंटरव्यू। ऐसा क्या है, उम्मीदवारों की जो भीड़ है, बहुत ज़्यादा फार्म होने लगे, तो इसके लिए क्या है, एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम करवाया गया प्रीलिम्स का। तो उससे क्या है, भीड़ फिर क्या है, ख़त्म हो जाती है। जो मुख्य मुख्य गंभीर अभ्यर्थी हैं वो फिर क्या है, मुख्य परीक्षा में शख्स देते हैं वो। तो अब 2013 से क्या है, नया पैटर्न चालू हो गया है, तो हम अपने क्या है नए पैटर्न पर ही बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें एक तो क्या है, प्रारंभिक परीक्षा है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, यह क्या है, एक प्रकार की समीक्षा परीक्षा है। समीक्षा परीक्षा का मतलब ये है, जो मतलब गंभीर नहीं है परीक्षा के प्रति, या जिनकी तैयारी का स्तर अभी इतना उपयुक्त नहीं है, तो वो क्या है इसमें सफल नहीं हो पाते, और जो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, ज़्यादा तैयारी वाले हैं, गंभीर हैं, वो क्या है फिर इसमें मुख्य परीक्षा में शामिल होते हैं। तो ये छंटनी की है, समीक्षा का मतलब छंटनी है, तो छंटनी हो जाती है। और जो प्रारंभिक परीक्षा है वो ऑब्जेक्टिव होती है, वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है, उसमें GK एंड GS यानी जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान, इसका पेपर होता है। और ये क्या है, इसमें ये 200 नंबर का पेपर होता है और 100 सवाल आते हैं, 3 घंटे का इसमें टाइम होता है, और नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी गलत उत्तर देने पर अंक कटते हैं, और अगर आपने उत्तर नहीं दिया, छोड़ दिया, तो वो क्या है आपके काउंट नहीं होता है। और ये जो पेपर होता है प्री का, प्रीलिम्स का, इसमें क्या है, राजस्थान का इतिहास है, कला संस्कृति है, साहित्य परंपरा उसका बारे में होता है, भारत का इतिहास है, भारत और विश्व का भूगोल है, राजस्थान का भूगोल है, भारत का संविधान है, राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली है, राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था और प्रशासनिक प्रणाली है, उसके बारे में होता है, अर्थशास्त्रीय अवधारणाएं होती है, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, और करंट समसामयिक घटनाएं जो हैं, ये सारी चीज़ें इसमें क्या है, मोटे तौर पर क्या है, प्री में, प्रारंभिक परीक्षा में क्या है, शामिल होती है। उसके बाद आती है मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में क्या होते हैं, चार पेपर होते हैं, एक है सामान्य अध्ययन प्रथम, ये 200 नंबर का है, ऐसे सेकंड, ये भी 200 का, थर्ड ये भी क्या है 200 नंबर का, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश यानी सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश, ये भी क्या है 200 का। तो कुल रिटर्न जो है मुख्य परीक्षा जो है वो 800 नंबर का है, और इसके बाद में
व्यक्तित्व और मौखिक परीक्षण जो है वो क्या है, 100 नंबर का होता है। मुख्य परीक्षा जो होती है वो क्या है, वर्णात्मक होती है, लिखित होती है, वो वस्तुनिष्ठ नहीं होती, और एनालिटिक होती है, विश्लेषणात्मक प्रकृति होती है। और उसमें भी क्या है, 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। कुछ छोटे प्रश्न आते हैं, संक्षिप्त होते हैं, एक दो दो लाइन वाले, कुछ मध्यम टाइप के होते हैं, 5-7 लाइनों वाले, और कुछ क्या है, निबंधात्मक होते हैं, जो 1 या 2 पेज में उनका उत्तर लिखना होता है। पहला पेपर जो है, फर्स्ट पेपर है, उसमें क्या है, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य परंपरा, विरासत, भारत का इतिहास, आधुनिक विश्व का इतिहास, भारत का संविधान, राजनीतिक व्यवस्था व शासन, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, अर्थशास्त्र, भारत का अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व का, राजस्थान का भूगोल, ये क्या फर्स्ट पेपर में शामिल है। यानी कुल मिलाकर जो मतलब जीके हैं मोटे तौर पर जिसको हम कहते हैं, वो क्या है, राजस्थान का और इंडिया का और वर्ल्ड का, वो क्या है, पहले पेपर में। दूसरा जो पेपर है उसमें क्या है, रीजनिंग है, तार्किक विवेचन जिसको कहते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी है, जनरल साइंस है, तो ये क्या है, सेकंड पेपर में। थर्ड पेपर जो है उसके अंदर क्या है, जो करंट इश्यूज हैं, ठीक है ना, वर्ल्ड लेवल का है, भारत लेवल का है, राज्य लेवल का है, राज्य में जो विकास की संभावनाएं हैं, क्या योजनाएं हैं, क्या संसाधन हैं, इसके अलावा जो सामान्य और प्रशासनिक प्रबंधन है, प्रशासनिक नीति शास्त्र जो है उससे संबंधित होते हैं। और चौथा जो पेपर है वो क्या है, राजस्थानी भाषा सहित क्या है, हिंदी और अंग्रेजी का मिक्स होता है, उसमें व्याकरण भी होती है, निबंध भी होता है, ये चीज़ है। फिर आता है इसके बाद में व्यक्तित्व और मौखिक परीक्षा, जिसको साक्षात्कार या इंटरव्यू भी कहते हैं, ये 100 नंबर का है। पहले ये 2012-13 से पहले क्या है, ये 160 नंबर का था, अब 100 नंबर का है। इसमें क्या होता है, उम्मीदवार की शारीरिक है, मानसिक स्थिति है, बोलचाल है, भाषा व्यवहार है, विचार है, उसकी अभिवृत्ति है, राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान है, निर्णय लेने की क्षमता है, उसकी विचारशीलता है, कॉन्फिडेंस, संचार क्षमता, कम्युनिकेशन स्किल जो है उसका, बताने का तरीका वगैरह, इन सभी चीज़ों का क्या है, परीक्षण होता है। ग्रुप डिस्कशन भी होता है, और जो इंटरव्यू बोर्ड है जिसको साक्षात्कार मंडल कहते हैं, उसके सामने भी क्या है, सवाल जवाब होते हैं, ये क्या मुख्य इसमें विधियां हैं। और जो मेरिट बनती है, लास्ट मेरिट, अंतिम मेरिट जो है, योग्यता सूची जिसको हम कहते हैं, वो क्या है, मुख्य परीक्षा जो लिखित परीक्षा है, और इंटरव्यू में जो नंबर आए हैं, साक्षात्कार में जो नंबर आए हैं, उनमें से मिलाकर क्या है, बनाई जाती है। यानी 800 नंबर का तो लिखित परीक्षा है, और 100 नंबर का हो गया इंटरव्यू, तो कुल 900 नंबर से क्या है, उसमें अंक निकाले जाते हैं। और राजस्थान पुलिस सेवा जो है, RPS जिसको कहते हैं, DYSP में क्या है, NCC के जो सी श्रेणी प्राप्त कैंडिडेट जो हैं उनको क्या है, वरीयता भी दी जाती है। और अब क्या है, जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ कि इंटरव्यू में जो 33% अंक लाने का जो एक बाउंडेशन था, शर्त थी, वो अब क्या है, समाप्त कर दी गई। यानी किसी व्यक्ति के रिटर्न में अगर मान लो 800 में से 700 नंबर ले लिए, और इंटरव्यू में उसको 15 नंबर भी मिले, तो भी वो क्या है, सेलेक्ट होने में सक्षम हो पाएगा। इंटरव्यू के नंबर अब क्या है, रोल नहीं रखते, वैसे तो रोल रखते हैं मेरिट में, पर न्यूनतम की क्या है, बाध्यता खत्म कर दी गई है। अंतिम रूप से जो चयनित उम्मीदवार हैं उनका क्या है, फिर बाद में एक मेडिकल बोर्ड के द्वारा क्या है, स्वास्थ्य परीक्षण होता है, और पुलिस के द्वारा फिर क्या है, कैरेक्टर वेरिफिकेशन होता है, चरित्र सत्यापन होता है। उसके बाद जो कैंडिडेट होते हैं उनको क्या है, कार्मिक विभाग जो है वो जो उसकी रैंक है उसके हिसाब से क्या है, उसको डिपार्टमेंट मिल जाता है। जो उच्च रैंक है उनको RS में, थोड़े से नीचे वाले जो RPS, या उन्होंने जो भी वरीयता दी है, वो जो उन्होंने प्रेफरेंस दी है, जो उनकी रैंक है उसके हिसाब से क्या है, कार्मिक विभाग जो है सेवाओं का क्या है, आवंटन कर देता है। और अपॉइंटमेंट लेटर फिर क्या है, संबंधित विभाग जो है, जो सेवा उसको मिली है वो उसको क्या है, जारी कर देता है। फिर उसकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग होने के बाद में फिर क्या है, उसको फील्ड में पोस्टिंग मिलती है। तो ये इस प्रकार से क्या है,
जो आरएएस का एग्ज़ाम है उसकी ये संपूर्ण प्रक्रिया है। अब उसके बाद में हम राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है आरपीएससी उसके बारे में पढ़ेंगे।